नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित बिंदल। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ बिंदल क्लिनिक्स पर। सर दर्द एक आम समस्या है, बहुत सारे लोग सर दर्द से पीड़ित हैं। एक कहावत है, जिसके पैर न पड़े बिवाई, ते क्या जाने पीड़ पड़ाई। मैं आप सबके दर्द को समझ सकता हूँ। सर दर्द बहुत ही भयानक रूप से भी हो सकता है और कुछ लोगों को रोज़ सर दर्द रहता है। रात को नींद नहीं आती सर के दर्द के कारण, या सर भारी रहता है या खिंचा खिंचा रहता है। सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, अगर आपको सर दर्द होता है कृपया घबराएं नहीं, ये बहुत आम समस्या है, बहुत लोगों को होती है। सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि माइग्रेन, जैसे कि टेंशन टाइप हेडेक। कई बार हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह के हो गए हैं और दिन भर की भाग दौड़ और स्ट्रेस के कारण हमें सर दर्द रहने लगता है। कई बार जेनेटिक कारणों से भी हमें सर का दर्द रहता है, जो कि बार बार होता है, माँ से बेटी को आता है या माँ से बेटे को आ जाता है, बाप से बेटे को आ जाता है। इन सब दर्द में हमें घबराना नहीं है, हमें एक डॉक्टर को दिखाना है, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और अपना इलाज कराना है। इसमें कुछ बातें विशेष रूप से आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। पहला ये कि सीटी स्कैन ज़रूर कराएं। सीटी स्कैन कराने से फ़ायदा ये होता है कि अगर बहुत ही कम चांसेस हैं कि दिमाग में ट्यूमर की वजह से सर दर्द हो, लेकिन अगर वो ट्यूमर है तो आपको बहुत ही अर्ली स्टेज में पता लग पाएगा और आप इलाज करा पाएंगे। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो निश्चिंत रहें, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। सीटी स्कैन कराने के बाद आपको इलाज कराना है। यह जानना ज़रूरी है कि सर के दर्द के मरीजों में लंबे समय तक भी इलाज कराना पड़ता है। 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना और कई बार कई महीने भी इलाज कराना पड़ता है। माइग्रेन में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 से 6 महीने अगर पूरा कोर्स करा जाए तो उसके बाद दर्द बहुत कम होता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर का दर्द बार 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 आता रहता है। ऐसे मरीज़ों को दवाइयों के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि खुश रहने की कोशिश करें, सुबह शाम सैर करें, ताज़ी हवा में तेज चलें, किसी भी तरह का कसरत करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें या जिम जाएं। इस तरह के मरीजों को धूप से भी बचना चाहिए, या गंध वाली चीज़ें जैसे पाउडर है, परफ्यूम है। भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर काम करते वक्त भूख लग रही है, पहले कुछ थोड़ा खा लें, उसके बाद अपना काम करें। अगर आप इस बीमारी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.bindalclinics.com पर आ सकते हैं, और अगर कंसल्ट करना चाहें तो हमें क्लिनिक पर दिखा सकते हैं। थैंक यू।